गाइस, आज हम द बोरी किचन के साथ लाइव हैं हमारे फेसबुक पेज पर। तो यहाँ पर आप द बोरी किचन एक्चुअली एक ब्रांड है जिसके बारे में आप सब लोग जानते होंगे। ये मुंबई में तो मशहूर ही है, लेकिन इसकी वेबसाइट्स और फेसबुक पेजेस और इंस्टाग्राम पेजेस की वजह से ये धीरे धीरे नॉट ओनली इन इंडिया बट पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे फेमस होता जा रहा है। तो आज हम द बोरी किचन से लाइव है और हम बात करेंगे द बोरी किचन के जो बैकबोन जिनको कहेंगे उनसे हम बात करेंगे। एक्चुअली द बोरी किचन स्टार्ट किया था मुनाफ कपाड़िया ने, जो फोर्ब्स के अंडर 30 अंडर लिस्ट में भी नॉमिनेट हो चुके हैं। तो एक्चुअली सब जानते हैं कि मुनाफ कपाड़िया ने ऐसा किया, मुनाफ कपाड़िया बट या मुनाफ कपाड़िया ने हमें एक आइडिया दिया था जिसे एग्जीक्यूट किया और जिनकी हेल्प ली वो थी उनकी वालिदा, उनकी माँ नफीसा कपाड़िया। तो हम उनसे नफीसा कपाड़िया से आज उनके डिशेज़ और उनके ब्रांड के बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे। तो नफीसा मैम, तो मैं आपको मैम कह सकता हूँ नफीसा भी नफीसा जी। सो सबसे पहले हम तो ये पूछना चाहेंगे कि द बोरी किचन एक्चुअली है क्या, ये आइडिया क्या था और किस तरह से आप बोरी किचन? लाइक मेरे सन का आइडिया है, उसने लाइक एक दिन सडनली डिसाइड किया कि उसको बोरी रेस्टोरेंट खोलना है, मतलब अभी बॉम्बे में इट्स नॉट पॉसिबल। तो बस उसने अपने फ्रेंड्स को एक ईमेल भेजा कि सपोज लाइक मेरी मम्मी का ये फूड ये डिशेस है एंड मैं आप लोग को घर पे इनवाइट करूँ और मैं आपको चार्ज करूँ उसके लिए, तो आप लोग आओगे लाइक खाना खाने के लिए। तो सडनली नेक्स्ट डे फ़ोन आया कि मुनाफ मेरे को तुम्हारे फ्रेंड के पास से फॉरवर्ड मिला है एंड वी वुड लाइक टू कम एंड दैट वॉज द फर्स्ट वी स्टार्टेड। और वो भी डाइनिंग टेबल पे 6 लोग आए थे और उनको सर्व किया लाइक एंड देन बस उसको एक क्रेज चढ़ा कि मैं वाइट लाइक दूसरों के लिए क्यों मार्केट करूँ जब मैं अपना लाइक यू नो लाइक माई मॉम्स फूड ओनली आई कैन मार्केट। तो उसने बस एक फेसबुक पेज खोला और जस्ट ब्रांड बनाया टीबी के एक दिन बैठ के एंड वी स्टार्टेड। तो आपको ये कितना साल हो गया हम दिल्ली में किचन? 4 साल हो गया अभी। तो गाइस 4 साल में इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, जैसे सम ऑफ द अवार्ड्स आर लाइक जी का अवार्ड, मिड डे का अवार्ड एंड ये इन्होंने इनकलाब का अवार्ड भी जीता है, इसलिए शायद हम पहले इनके ही पास रहे थे लाइव करने के लिए। तो आंटी आप ये बताइए ना कि आपकी द बोरी किचन में सबसे ज़्यादा फेमस कौन सी डिशेज है? सी लाइक जो घर पे हम लोग करते हैं वी डू अ 7 कोर्स में, पर मेन है समोसास, मटन समोसास, देन रान, हमारी रान एक स्पेशलिटी है जो मैं आज आपको सब नहीं कर पा रही हूँ। देन मैनी थिंग्स लाइक दिस इज अ चिकन क्रीम टिक्का एंड ऑफकोर्स बिरयानी इज अ मस्ट, बिरयानी के वेरियंट्स रहते हैं लाइक मटन चिकन व्हाटएवर। और स्वीट डिश में? स्वीट डिश में मेन हमारा ये चलता है दूधी हलवा। दिस इज टू टाइप्स ऑफ दूधी हलवा, वन इज वाइट एंड वन इज रोस्टेड, ये बहुत फेमस है। देन मलाई खाजा इज फेमस। व्हाट इज इट? दीज आर ऑल द कॉन्डिमेंट्स जो हम थाल में रखते हैं। ये खजूर चटनी है, खजूर एंड ड्राई फ्रूट चटनी जो मैं खुद बनाती हूँ। देन दिस इज अ ग्रीन चटनी विच गोज अलॉन्ग वेरी वेल विथ दिस। ये विंटर का स्पेशलिटी है, दिस इज अम्बा हलद एंड हल्दी, देन लिंबू विच वी ऑफकोर्स रिक्वायर फॉर एवरीथिंग, देन दिस इज जस्ट प्लेन अनियंस और ये पाइन एप्पल बूंदी रायता है विच इज अ वेरी फेमस हिट विद पीपल। ओके, तो ये आप अपने ये जस्ट समोसा है और ये आपने कहा क्रीम रोल, चिकन क्रीम टिक्का, चिकन क्रीम टिक्का। तो आप इसकी रेसिपी के बारे में थोड़ा बहुत बता सकती हैं कि आप किस तरह बनाती हैं इसे? सी समोसा तो बेसिकली खीमा इज कुक्ड, पर हमारा जो स्पेशल टेक है हम लोग स्मोक करते हैं यानी धुंधार करते हैं, कोयला रख के उस पर घी डाल के तो वो स्मोकी फ्लेवर आता है। एंड देन वी यूज स्प्रिंग अनियंस एंड कोथमीर पुदीना, दैट्स ऑल। दिस इज चिकन विच हैज उसको मैरिनेट किया है ग्रीन मसाला में फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स एंड देन वो सली थोड़ा चीज डाला है उसमें और सली पे लगा के बस ब्रेड क्रम्स लगा के एक मिनट फ्राई किया है। तो आप इसमें भी कुछ स्पेशलिटी मतलब कुछ ऐड करते हैं कुछ नया, जैसे यूजुअली जिस तरह दूधी हलवा बनता है उसके अलावा भी आपने मतलब कुछ और इसमें कुछ स्पेशलिटी कुछ अलग चीज़ या कुछ अलग फ्लेवर यूज़ करते हैं हलवा बनाने में?
नहीं कुछ ऐसा नहीं, इलायची तो नॉर्मली सब हलवा में रहता ही है, इलायची एंड दिस रोस्टेड इज ऑल्सो थोड़ा डिफरेंट है, घी में पहले दूधी को रोस्ट करके बनाते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दिस फ्राइड आइटम आप मेन कोर्स में क्या क्या बनाती हैं? जैसे कि बिरयानी तो है ही, देन चिकन अंगारा हमारा बहुत फेमस है, काजू चिकन बहुत फेमस है, काजू चिकन विद पराठास, देन हमारी जो मेन बोरी वेज आइटम है दाल चावल पलीदा, विच इज ऑल्सो बिकॉज हमारे वहाँ वेजिटेरियंस भी आते हैं, इट इज़ नॉट कि खाली नॉन वेज आते हैं, वी हैव डन वेज स्पेशल ऑल्सो जिसमें बहुत सारे आइटम्स है, जैसे चना पटेटा वी मेक विद थुली, देन बहुत यानी अभी यह स्ट्राइक नहीं होता पटवेलिया वी मेक। सो गाइस मतलब बॉम्बे के लोगों में तो बोहरी किचन बहुत फेमस है, लेकिन ये सेलिब्रिटीज़ में भी उतना ही फेमस है, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ में ही उतना ही फेमस है। तो आंटी बताइए ना आपके इधर पर कौन कौन से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़? स्पेसिफिकली फराह खान, शी ऑलमोस्ट कम 2-3 times एंड उसका भी आज यानी मुनाफ के साथ में इतना फ्रेंडली रिलेशन हो गया है कि मुनाफ कैन कॉल हर अप एनी टाइम ही वॉन्ट्स। फिर ऋषि कपूर हैज़ कम ट्वाइस, या इनफैक्ट व्हेन ही वाज अब्रॉड उसकी जब चल रही थी ही वाज चैटिंग, हाँ चैटिंग विद मुनाफ, देन ऋतिक रोशन के घर पे गए, राकेश रोशन के घर पे गए, एंड आई थिंक रानी मुखर्जी वाज द फर्स्ट बॉलीवुड सेलिब्रिटी विच वी हैड गॉन, आई हैड गॉन टू अ हाउस, उसका बर्थडे था एंड आदित्य चोपड़ा ने उसके लिए सरप्राइज पार्टी रखी थी, तो दैट वॉज द फर्स्ट पर्सन वी हैड गॉन टू। संजय लीला बंसल ने कम विद हिज होल फैमिली, इनफैक्ट हिज मदर हैड ऑल्सो कम एंड शी वॉज अ वेज, इसलिए वो उस दिन वो खाली वेज खाती थी, बट वो इतना खुश हो गई थी कि शी हैड लिटरली उसने मेरे को हक दिया था। या उसकी सिस्टर आई थी, सब लोग आए थे, देन अभी तो दैट वॉट इज हिज नेम आई कैंट रिमेम्बर नेम्स ऑल्सो नाउ। तो आपको क्या लगता है आप सेलिब्रिटीज़ में जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनको आपकी कौन सी डिश ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब वो सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं खाना? बेसिकली तो अभी तक तो सब यानी फराह खान को मेरा पाया भी बहुत अच्छा लगता है, शी हैड स्पेसिफिकली ऑर्डर पाया फ्रॉम अस एंड साइरस भरोचा एंड दैट कुणाल आर ग्रेट फैंस। इनफैक्ट अभी लास्ट मंथ हम लोग वी हैड अ बोरी फेस्टिवल इन ताज ताजमहल होटल, फॉर 8 days आई हैड गॉन देयर एवरी डे, उनके शेफ्स को सुपरवाइज कर रही थी लाइक एंड दे हैड डन, सो ऑल दीज पीपल हैड कम, कुणाल हैड कम, इनफैक्ट पॉलिटिशियंस ऑल्सो मुरली देवरा हैज कम, इटली इज नॉट कम होम ही हैड कम टू ताज, वी हैड इनवाइटेड हिम, रतन टाटा ऑल्सो एट माई फूड, ही हैड ऑल्सो कम फॉर द बोरी फेस्टिवल, सो लाइक या सेलिब्रिटीज तो अनलिमिटेड है। तो उनके हाथ में भी वही टेस्ट आता है जो आपके हाथ में आता है? सी बेसिकली अभी जो मेरी मेन सर्वेंट है या शी कैन वो कर सकती है, इट्स नॉट दैट बट सुपरविजन इज रिक्वायर्ड। सो यानी अभी ये आप यही देखो कि मुनाफ की किचन के जो है शेफ्स लाइक अभी मेरा क्या है कोई रेसिपी नहीं है, मैं सब अंदाज से करती हूँ, तो उन लोग को मेरे वहाँ लगभग ऑलमोस्ट 1 महीना आना पड़ा, यू नो दे हैव टू टेक वीडियोस कि मैं कैसे बनाती हूँ टू गेट दैट एग्जैक्ट फ्लेवर्स लाइक, एंड फिर भी होता ही 19-20 तो फर्क हो ही जाता है। सो आपकी लाइफ में अब तक का सबसे अच्छा मोमेंट कौन सा था ये 4 साल में जब से बोहरी किचन स्टार्ट हुआ? आई थिंक व्हेन ऋषि कपूर हैड कम, इट वाज अ वेरी Yeah, I am a fan, the whole family is a fan. But when he had come, it was very lively because he had come with Rashmi Uday Singh, who is the, I think, food critic. Yeah, so that only 2 of them had come, but it was fun.
And when I'd gone to this one's house, Rani Mukherjee's house, that also was a great moment. Like, so I'll just please this. Yeah, please, definitely. You'll have to finish this round. We'll finish this later. Yeah. Munaf, like हमारा जो इवेंट रहता है ना तो मुनाफ डज द होस्टिंग तो वो सब बताएंगे आपको कि वी स्टार्ट द मील विद सॉल्ट ओके वी ऑलवेज टेस्ट पिंच ऑफ सॉल्ट ही टेक फिर एक एक आइटम की ही विल गिव यू ऑल द इंग्रेडिएंट्स ही विल एक्सप्लेन टू यू हाउ टू ईट इट लाइक नाउ द समोसा यू एट जस्ट नाउ दिस इज नॉट राइट यू हैव टू पुट लिंबू इन इट एंड देन ईट इट विद चटनी लेट मी ट्राई दिस वन Yeah, it will make a lot of difference. So, I have to just eat. Yeah, squeeze inside the whole limbo. And then eat. So, I have to go this also. You put a seed. No, not that. Green chutney. I hope it's not. Yeah, spicy. Take it. Put this. Now, bite. And see the difference. Yeah, it's really yummy. I'll try and eat it. So, और अब अपने कुछ अच्छे मोमेंट्स बता सकते हैं रिगार्डिंग फूड्स मतलब आप जब द बोरी किचन में गए उससे पहले क्या करते थे उससे पहले टीवी देखती थी नथिंग आई वुड डू दैट वाज वन ऑफ द मेन रीजंस कि मुनाफ यू नो क्योंकि वो सैटरडे संडे को उसको टीवी देखता रहता है आई वुड वॉच माई सोप ऑपेरा सो ही वुड गेट इरिटेटेड तो ही वांटेड ही वो हमेशा मेरे को बोलता था मतलब मम्मी कुछ करो एंड आई डिड क्वाइट अ लॉट आई यूज्ड टू क्रोशे करती थी देन आई स्टार्टेड चॉकलेट मेकिंग आई डिड चॉकलेट क्लासेस बट देन वो मार्केट भी एकदम सैचुरेटेड हो गए अभी सब लोग चॉकलेट्स बनाते हैं सो देन आई डिडंट हैव सो मच वर्क टू डू सो देन बस ही उसके माइंड में था कि मम्मी को बिजी करो बस के होल डे आप बैठी रहती है सोफा पे टीवी देखती है कुछ करती नहीं है तो दैट दिस आइडिया स्ट्रक हिम बिकॉज़ वो क्या ही वाज वर्किंग फॉर गूगल तो सो मेनी टाइम्स वो लेके जाता है अभी अपना ईद रहता है तो सिर्फ खुरमा लेके जाता है बिरयानी बना के लेके जाता है ऑफिस सब लोग अप्रिशिएट करते थे फूड तो देन स्ट्रक हिम कि व्हाई नॉट यू नो कि मैं दूसरों के लिए मार्केटिंग करता हूँ तो आई शुड मैं अपना खुद ही मार्केटिंग करूँ सो गाइस ये था आज हमारा पहला लाइव द बोहरी किचन के साथ जो हमने पिज़्ज़ा कपाड़िया के साथ किया और उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी तमाम डिशेज के बारे में बताया तो हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे इस तरह की और भी वीडियोज़ करेंगे लाइव करेंगे हम व्हाट्सएप अगर आपके जहन में कोई ब्रांड है और आप चाहते हैं कि हम वहाँ जाकर लाइव करें तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकती हैं कि हम कौन से ब्रांड को नेक्स्ट लाइव करें सो आई थिंक नफीसा कपाड़िया के साथ हमारा सेशन बहुत अच्छा था थैंक यू गाइस थैंक यू एवरीवन